पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। सो असी विश्वास के उत्ते पिछले दिनों तो सीख रहे हैं और चार संडे असी विश्वास के उत्ते सीखिया सी और असी विश्वास दीआं किस्मां नूं देखिया सी और वेख्या सी कि किहड़े किहड़े लोगों ने किवें किवें विश्वास किया और परमेश्वर ने उन्होंने जीवन दे विच फिर किस किस तरह काम किया। हालेलुया। सो उस विषय नूं लैके असी अगे सीखांगे कि खुदावन खुदा इस वचन के जरिए सानू होर की समझाउणा चाहुंदा है। और इस तों पहलां कि असी विश्वास दे विषय नूं अगे लैके वधीए, यकूब की पत्री उहदा 3 अध्याय उहदी 13 आयत पढ़ांगे। यकूब 3:13 पूरी बस। हालेलुया। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से और नम्रता सहित प्रकट करे, जो ज्ञान से पैदा होता है। हालेलुया। सो असीं देखते हैं यकूब नूं एक गल लिखनी पई कि तुहाडे विच्चों ज्ञानवान ते समझदार कौन है। सवाल कलीसिया दे नाल आ, तुहाडे विच्चों ज्ञानवान ते समझदार कौन है? अज हर कोई इह सिद्ध करन दे विच लग्गिया आ कि मेरे तो ज्यादा कोई ज्ञानवान नहीं ते मेरे तो ज्यादा कोई समझदार नहीं। और जदों असी बाइबल का अध्ययन करते हैं तो सानू एक गल पक्की पता लगती है, जे मैं आखा कि मेरे कोल ज्ञान दूसरे नालों वध है, फिर मेरे विच सहनशीलता भी दूसरे दे नालों वध होनी चाहिए। जे मैं आखा मेरे विच ज्ञान दूसरे दे नालों वध है तो फिर मेरे विच प्रेम भी दूसरे दे नालों वध होना चाहिए है। जे मैं कहां मेरे कोल ज्ञान ज्यादा है तो फिर मेरे विच विश्वास भी दूसरे दे नालों वध होना चाहिए है। जे मैं कहां कि मेरे कोल ज्ञान ज्यादा है तो मेरे विच दयालगी भी दूसरे दे नालों वध होनी चाहिए है। जे मैं कहां मेरे कोल ज्ञान ज्यादा है तो फिर माफी का रूह भी मेरे विच दूसरे दे नालों ज्यादा होना चाहिए है। जे मैं कहां मेरे कोल ज्ञान ज्यादा है तो वह ज्ञान फिर मेरी समझदारी तो सिद्ध होगा। अज दुनिया में जो असं गौर करते हैं ज्ञानवाना की कोई कमी नहीं, ज्ञानवाना की। और देखो किन्ना ज्ञान है, एक दूजे को लड़ा देंगे। हाँ जी, ज्ञान इन्ना हासिल कर लिया कि धर्म के नाँ से बंदियां नूं मरवा देंगे। किन्ना ज्ञान है, एक मजहब नूं दूसरे मजहब के खिलाफ कर देंगे। एक भरा जे कोलो दूसरे भरा का कतल करवा देंगे। एक खानदान नूं तहस नहस कर देंगे। एक कौम नूं बर्बाद कर देंगे। एक मजहब का नामो निशान मिटा देंगे। इन्ना ज्ञान है। और ये जिहड़ा करवा रहा हुंदा वह भी ज्ञानवान है ते जिहड़ा कर रहा हुंदा वह भी ज्ञानवान है। पर अफसोस है जो समझदार कोई नहीं। सवाल है अज का, कहिंदा तुहाडे विच ज्ञानवान ते समझदार कौन है? ते जिहड़ा कहिंदा है वह फिर कहिंदा जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन और नम्रता सहित प्रगट करे। जे ते हैगा कोई, जे कोई कहिंदा है तो फिर वो चाल चलन तो नम्रता सहित उन्हें प्रगट करना पैना। तो जे वह नम्रता सहित प्रगट नहीं करता तो फिर हर जगह के उत्ते बाइबल यह सवाल करती है तुहाडे विचों ज्ञानवान कौन है। हालेलुया।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ? ਭਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਖਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਲਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਜੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਲਕਿ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਇਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇ ਬਣੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਖੋਟ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਣਦਾ ਆ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਰਗਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ, ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ
वचन किस तरह समझाता है। जल्दी जल्दी जिसने मिल गया फटाफट पढ़िया करो, 2:18। अज तुसी अक्सर लोगों नू ए बहस करते हुए, खास करके मसीही लोगों के नाल गैर मसीही लोगों नू ए बहस करते हुए बहुत बार सुनिया होगा। वो कहिंदे जी भी यीशु मसीह नू मनने की कोई लोड़ नहीं है, कोई पश्चाताप कोई तौबा की लोड़ नहीं है। परमेश्वर इंसान के कर्मों नू वेखदा है, परमेश्वर नू इंसान के कर्मों के नाल मतलब है। अगर कर्म असी ठीक कर रहे हैं, अगर सही ट्रैक ते असी जा रहे हैं, तो फिर सानू यीशु मसीह नू मनन की कोई लोड़ नहीं है, सानू यीशु मसीह ते ईमान लियाउण दी भी कोई लोड़ नहीं है, सानू तौबा करन दी जां बपतिस्मा लैण दी कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि वचन जिहड़ा ट्रैक सानू दसदा है उत्ते असीं ऑलरेडी चल रहे हैं। और वचन ही दसदा है तुहाडे कर्मां नू देख के परमेश्वर ने तुहाडे उत्ते अनुग्रह नहीं कीता, तुहाडे कर्मां नू देख के परमेश्वर ने तुहाडे उत्ते अनुग्रह नहीं कीता। जे कर्मां दे नाल इंसान परमेश्वर नू पा सकदा हुंदा ते फिर यीशु मसीह नू संसार दे विच आउण दी लोड़, जे कर्मां दे नाल पा सकदा हुंदा ते फिर यीशु मसीह नू संसार दे विच आउण दी लोड़ नहीं सी। कर्म देखिए अब्राहम दा, कोई कर सकदा जी? हां जी, तुहानू हुण पवित्र आत्मा कवे छड दिओ अमेरिका, छड़ोगे जी? हां जी बोलो। हां जी मैं कहना तुसी यीशु मसीह नू छड़ देना है, अमेरिका नू छड़ना भुल जाओ। गल कहण दे विच ते उहदे उत्ते ठहरन दे विच जमीन असमान दा फर्क आ। कहना सौखा हुंदा लेकिन करना और चाली हुंदे आ जिहड़े फिर कर जांदे आ। हालेलुया। मेरा ब्रदर आया सी पास्टर हैरी इत्थे पक्का होण दे वास्ते, जदों इस सच्चाई दा पता लग्गिया मैनूं फोन करदा, कहिंदा जी भाजी नूं मैं कह नहीं सकदा, मैनूं डर लगदा आ, ते तुसी फोन करके उन्हां नूं कह दिओ, क्योंकि मैं उन्हां दी इज्जत करदा, तुहाडी गल मानदे मेरी शायद ना मन्नण। मैं हुण अमेरिका दे विच रहिणा, जिहनूं समझ आ जावे उही फैसला लै सकदा। हालेलुया। इत्थे इंजीनियर सीगा, बड़ी वड्डी पोस्ट उत्ते सी, पिछले दिनां विच उस खुदा दे खादम दी डैथ होई है, मैनूं हुण नाम नहीं पता, गुरदासपुर साइड तों सीगे, पता नहीं किन्नियां भाषा आउंदियां सी, जो ग्रीक हिब्रू की सब कुछ, इतने इंटैलीजेंट सी, 1.5 लाख रुपये की नौकरी सी उहदी, सालाना मिलना सी इहनूं। एक दिन प्रार्थना करदा पिया, प्रभु दे आत्मा ने कहा सवेरे ही तैनूं अमेरिका छड के जाना पवेगा, सवेरे ही। तो सवेरे ही निकल गया। क्यों हुण कड्डो हैलेलुया। जे मैं कहिंदा इत्थे लैण दा फिर तुहाडे मुंह हैलेलुया बड़ी छेती निकलना सी। अगले दिन ही कोई वेट कीती, कोई इंतजार नहीं कीती, मेरा की होगा, किड्डी वड्डी मैं पढ़ाई लिखाई प्राप्त कीती, इत्थे तक पहुंचना ते मेरा सुपना सीगा। जदों पहुंच गया, जदों नौकरी ज्वाइन करनी सी, नौकरी ते प्रभु ने जान नहीं दिता, प्रभु कहिंदा नौकरी ते नहीं, हुण तैनूं मेरी नौकरी करनी पवेगी। अगले दिन ही वो अमेरिका छड के चले गया। जान लई तैयार हो? हे प्रियो, अपने अति पवित्र विश्वास में। हालेलुया। इदां दा फैसला वो शख्स लै सकदा है जिहदे अंदर अति पवित्र विश्वास पैदा होया हो। जिहदे अंदर ये अति पवित्र विश्वास ने ना, वो आया ही सिर्फ प्रभु दे कोलो कुछ हासिल करन दे लई आ, वो प्रभु नूं दे कुछ सकदा ते ना ही उत्तों कुछ देण दी उम्मीद ही कीती जा सकदी है। वो ते लैण लई आया, उन्हें देना कुछ भी नहीं है। मैं गया बाथरूम दे विच, नजारा आ गया इन्ना सोहना,
बाथरूम करने भी दिल नहीं करता, पैसे लगे ना। हाँ जी, अज असी बपतिस्मा लैण लई साढ़े आए सीगे अजीज सैक्रामेंटो कैलीफोर्निया तो आए बपतिस्मा लैण वास्ते। खुदा दे वचन नूं ऑनलाइन सुनदे आ, साढ़े भाई राजू जी ने लिया, उन्होंने वाइफ ने बपतिस्मा लिया, और साढ़े भाई जी सनी साहब उन्होंने ब्रदर इन लॉ ने लिया। और मैं वेख रहा सी जिथे असी बपतिस्मा लैण वास्ते गए, उन्होंने पूरी टीम साड़ी सेवा दे विच लगी हुई, साढ़े पैर जिहड़े सी ना उन्होंने फर्श उत्ते गिले पैंदे सीगे, असी पैर अपना अगे पुटदे सीगे ते पिछों साफ सी। क्यों भाई जी? कहिंदा जिहड़ा तुहाडे विचों समझदार ते ज्ञानवान आ उह अपने चंगे चाल चलन नूं सहनशीलता ते नम्रता सहित प्रगट करे। जे तुसी समझदे हो भी तुसी दूजे दे नालों सियाणे हो, जे समझदे हो दूसरे नालों अकलमंद हो, ते दूसरे नालों अकलमंदी की हुंदी भला? अगर कदी खाने दा इंतजाम कीता जावे ना, हरेक बंदे दे मन दे अंदर ए जज्बा होना चाहिदा, नहीं भैन जी पहला तुसी लो, अगला कवे नहीं भाई जी पहला तुसी मोहरे आओ। तो इसे तो यह हों भी दस गुले पूरे गिनती लिया होंगे, अगला कहना अगले नूं मिले भावें ना मिले, ये तीन क मेरे अंदर फटाफट चले जाण, तो मेरा स्वाद की हो जाए भला, मेरा स्वाद पूरा हो जाए। अगले साड़ी सेवा दे विच मेरा ख्याल पौना क घंटा लगे रहे, वो इत्थे दे लोग सीगे, वो कोठे ते चढ़ के थुक थुक के ना ते कंपीटीशन करन वाले लोग ने सी वी मेरा थुक दूर जांदा कि तुहाडा जांदा ना। वो इदां दे देश चो नहीं आए थे जिते कोठे चढ़ के थुकया जांदा, फिर देखा किहड़ा थुक दूर जांदा। तो मैं हैरान हो रहा सी उन्हां दी सेवा दे उत्ते, 35 कोर्स ने गए हो ये जिन्हां दा चर्चा उस सेम मिशन दे ही है, वह गल्लां जिहड़ियां उन्हां दे विच अज देख के आए ना वह इस कलीसिया दे विच नजर आउणियां चाहीदियां। जे तुसीं कहिंदे हो ना असीं की आ भला, असीं इहनां दे नालों वध ज्ञानवान आ, असीं इहनां दे नालों वध समझदार आ, ते समझदार कहदे हो जी तुसीं? इत्थे टिशू छड्ड जांदे हो नक पूंज के न्याणे दा, समझदार कहदे हो? बच्चा बबल गम पा के मूंह च आया ते मां नूं पता होना चाहीदा वी मेरे बच्चे ने कम करना ही करना, उहने कढ के ते नाल बेंच ते लाउणी लाउणी है, ते फिर मां दा फर्ज की बनदा? मैं पवित्र खुदा की हजूरी दे विच आई हाँ जिथे दो या तीन उहदे नाम दे विच इकट्ठे हुंदे उहदी हजूरी उत्थे हुंदी है, ते जे तुहानू पता होवे उहदी हजूरी इत्थे आ, तुहाडा ध्यान सब तो पहला उस जगह दे उत्ते टिकिया होना चाहीदा, साडा बच्चा इत्थे कोई मिस्टेक ना कर जावे। बच्चे दा फ्यूचर मां दे हथ दे विच। सो कहिंदा जे तुहाडे विचों कोई बुद्धवान ते ज्ञानवान आ ते आजो फिर विचार ही कर लैने आ। ते बुद्धवान ते ज्ञानवान सिर्फ गल्लां दे नाल नहीं, कर्मां तो सिद्ध करना पैंदा। ते साडे उहले बड़ी इज्जत नाल साडे लई लवाई, उहने देखो उहनां दे मन च साडे लई किड्डी श्रद्धा सीगी, उहनां ने बाहर हत्थ धोंदे उहनां देखिआ वी किचन दे विच हत्थ जा के धोंदे आ, उहनां ने साडे लई बाहर सैंक लवा दित्ता साडे वास्ते, ते साडे टूटी खुली छड्ड गए। अगले चार दिन टूटी का पानी चलता रहा, वीरवार जाके जो सफाई करने वाला आया उदो पता लगा चार दिन टूटी का पानी चलता रहा। यह उस मां के उत्ते सराप होना है जिदे बच्चे ने उस टूटी नू खोल के रखिया, इहदे विच लिख के दिता वो किसी का पक्षपात करता, इस पानी की खातर थर्ड वर्ल्ड वार होनी है वचन च लिखा, मुकाबला जिहड़ा ना तीसरा जिहड़ा वर्ल्ड युद्ध होना वो पानी के उत्ते होना है, और ये पानी अफ्रीका दे विच लोगों नूं नसीब नहीं हुंदा, जानवरों का पेशाब पी के वो अपना गुजारा करदे, ते पेशाब की भी एक बूंद जमीन के उत्ते नहीं डिगन देंदे,
वो लैके लोटा पहले खड़े होंगे भी कदों जानवर ने पेशाब करना तो उन्हें कैच करते तो असी टूटी खुली छड़ गए तो जो कही हाँ जी इस चर्च के खर्चे आ उदो मूँह देखने वाले होंगे आ उदो कहने कि सानू ना कह दिता जाए सानू ना कुछ देना पै जाए तो जे आप देने दे ना कुछ तैयार ने गए तो फिर ये ध्यान रख्या करिए भी घट्टो घट असी बाकी सिस्टम के चंगी तरह रह लीए थोड़े तो समझदार ते ज्ञानवान कौन तो जिहड़ा समझदार ते ज्ञानवान आ जिहड़ा मसीह दे उत्ते भरोसा रखदा आ जिहनूं मसीह दे उत्ते विश्वास आ जिन्हें ईमान लिआंदा आ उन्हें इस विश्वास नूं अपने जीवन दे विचों दी कम्मां दे राहीं दिखाउणा आ उन्हें सिद्ध करना है कर्मां दे द्वारा और पवित्र आत्मा विच क्यों कहिंदा वी प्रार्थना करदे रहो भला इसलिए कि तुसी परमेश्वर दे प्रेम दे विच बने रहो उन्होंने दिखाया सानू परमेश्वर दा प्रेम अगलिया ने अपने कोलों इन्हां नूं पाउण दे लई गौण दिते अपने कोलों उन्होंने तौलीए दिते अपने कोलों पैरां च रखण वाले तौलीए दिते अपने कोलों उन्होंने कमरा दिता तो कमरे विच भी उन्होंने थले सारा कुछ इंतजाम करके सानू दिता तो बदले विच सानू कोई मंगिया कुछ नहीं सी अपनी इच्छा दे नाल खुश हो के उन्हां दी सेवा नूं देख के आप दे के आए उन्होंने डिमांड कोई की नहीं क्यों वो लोग आ जिन्हां दे विच परमेश्वर दा प्रेम हालेलुया इस वचन च लिखिया सब कुछ जांदा रहेगा भावें ज्ञान होवे भावें गैर भाषा होवे सब कुछ लिखिया जांदा रहेगा एक प्रेम आ जिहड़ा फतेहमंद होवे हालेलुया एक प्रेमी है जिहड़ा फतेहमंद एक मुहब्बत ही आ जिहड़ी जय पावेगी और उत्थे आके तुहानूं चाहीदा है कि तुसी उस मुहब्बत नूं अपने विचों की करो भला विखा सको सहनशीलता दे नाल कहिंदा धीरज दे नाल नम्रता दे नाल इहनूं असीं लोकां दे विच विखाउणा है सो आ जांदे उस जगह उत्ते यकूब 2:18 वन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा तो की किया जी सिक्की रहे भला कहना असी पवित्र विश्वास से विश्वास असी किया अगला सवाल करता भी तू विश्वास करता है मैं कर्म करता है तू अपना विश्वास कर्म तो बिना विखा तो मैं कर्म के द्वारा अपना विश्वास तेन दिखाव की असी ये कर्म विखा सकते हैं साढ़े को खाली विश्वास ही है और विश्वास भी है नहीं विश्वास कहते हैं असं विश्वास के बेचे हाँ पर विश्वास साढ़े को हैगा नहीं गा तो जे विश्वास हैगा है कहना दिखा फिर कि विश्वास है तेरे को तो असं की कहे प्रभु यसु मसीह के उत्ते विश्वास किया हाँ जी बोलो कहते विश्वास किया यसु मसीह के उत्ते हुण कर्म की बारी आई तो फिर किदां दा दिखाउणा कर्म भला यरूशलम दियां गलियां दे विच्चों घसीट घसीट के लैके गए से आले दुआले ताने मेने वखरे ते लोग थुकदे सी उहदे उत्ते कई बार सलीब उहदे मोढे तो डिग्गी ते फिर चुकदा सी सृष्टि का मालक इस मनुख दे लई इस धरती दे उत्ते आ के जीरो होया जिन्हें कायनात नूं बनाया वो इहनूं बचाउण दे लई इस धरती दे उत्ते आ के इहदे लई शून्य जीरो बनिया ताकि इहनूं हीरो बना सके हालेलुया इहनूं हीरो बनाउण दे लई वो आप की होया भला वो आप जीरो होया ताकि ये की बने इहनूं विलन बनन दी पई होई इहदी सोच कि दे भला विलन का मतलब भी होता नैगेटिव सोच रखने वाला बंदा
हमेशा गलत ही सोचना, हमेशा वचन दे उल्टा ही सोचना, हमेशा मुखालफत विच ही जाना। उन्हें विलन कहा जाता, लेकिन वह इसलिए आया अपने आप नूं जीरो करके इनू किसे तरह हीरो बना सके। तो जो विश्वास की गल आनी है तो फिर विश्वास के नाल करम, तो विश्वास किया मसीह यसु दे उत्ते, ते जिहदे उत्ते विश्वास किया वह नमूना रख के गया साडे मोहरे। तो मैं कई बार दसदा कि ना जिहड़ा पहाड़ ते दिखाया उहदे नाल दा बणावीं, हुण उहने यरूशलम दीआं सड़कां दे विचों दी दिखाया। नमूना किदां दा भला? यरूशलम दीआं सड़कां दे विच उहने नमूना दिखाया। अपनी पिठ उहने कोड़े मारन दे लई दित्ती, नमूना दिता। उहनूं जलील किया गया, उहदा मजाक उड़ाया गया, उहदे अखां ते हथ रख के ते घसुन मारदे सी। कहिंदे दस तैनूं घसुन किहने, पेशवाणी कर कहिंदे तैनूं घसुन किहने किहने मारिया। ते जिहनूं बचाउण आया उहदे कोलों घसुन भी खा रहा। इसे वचन च लिख के दिता, जदों ओ नजात दे सारे काम नूं पूरा करके वापस स्वर्ग दे विच गया पिता दे कोल हाजरी लवाउण दे लई, ते फरिश्ते पुछदे कहिंदे हे प्रभु तेरी ये हालत किहने कीती, तेरी ये हालत किहने कीती। ते अग्गे प्रभु दा जवाब सुनियो, जे थोड़ी बहुती गैरत च शर्म हैगी है, जिहड़ा इहदे लई आया जीरो होया, जिहड़ा इहदे कोल मार खा के गया वापस स्वर्ग दे विच जाके जदों फरिश्ते पुछदे कि तेरी ये हालत किहने कीती, कहिंदा अपने प्रेमियां दे कोल गया सी ते उहनां दी मुहब्बत दी निशानी लैके आया। अति पवित्र विश्वास किहड़ा जी? अति पवित्र विश्वास ए आ कि जिहदे उत्ते मैं विश्वास कीता ना, ओ मेरे लई ए सब कुछ कर गुजरिया, ते हुण वारी मेरी है। ते जदों वारी मेरी है ते मैं फिर इहदे विच कोई कसर छड्डनी नहीं। जिहड़ा कर्म करदा आ, अगर वह कर्म से घमंड ना करे तो विश्वास के विच कामल हो सकता, पर जिहड़ा खाली विश्वास करदा सोचे मैनूं कर्म की लोड़ नहीं, तो फिर उहदा विश्वास सरगर्म, विश्वास बल की अग वांगू ये वधना चाहिदा आ, ये भांबड़ की होना चाहिए, भला मचना चाहिदा, इहदे विच गिरावट आनी चाहिए। तो जे गिरावट आती है तो इहदा मतलब सीधा सीधा आ, इहनूं पूरा प्रोग्राम मिल रहा पवित्र आत्मा की अग दे विच तेल की की है भला लोड़ आ। ते वचन की दिखाता भला परमेश्वर दे तेल नूं, वचन कहिंदी सूटदा भला ये तेल नूं दिखाउंदा पवित्र आत्मा आ गया ते वचन दा तेल उहदे विच जाणा चाहीदा। सो जिदा जिदा वचन दा तेल आऊगा उदा उदा विश्वास वधूगा। पर साडी मजबूरी भला की है? असी वचन नूं ध्यान ला के सुणदे, जदों सुणदे नहीं आ फिर जिदा दा विश्वास उह चाहुंदा आ साडे विच उदा दा विश्वास साडे विच नजर आउंदा नहीं आ, क्योंकि लिख के दिता विश्वास सुनन दे नाल पैदा हुंदा ते सुनना मसीह दे इस सुनन दे नाल पैदा हुंदा। ते साडी बदकिस्मत की है भला? असी बैठे हुंदे हां पर सुनदे, बैठ के भी सुनदे सुनदे नहीं आ। ते ए भी एक सजा आ कि इत्थे बैठ के आके भी जे ना सुनीए ते इस तो फिर बदकार कोई हो सकदा, जिहड़ा हजूरी विच आवे पर फिर भी वचन नूं ध्यान ला के सुने ना, उहदे उत्ते लानत वध आवेगी। इहदे नाल चंगा आ कि वह ना आवे, घट्टो घट ये तो कह देगा कि मैं सुने सुनिया ही नहीं सी, पर जिहड़ा सुन के भी विश्वास ना लियावे इहदा मतलब फिर पत्थर दे लिया, उहनूं मसीह दी मुहब्बत समझ आई, उहनूं मसीह दी मुहब्बत समझ नहीं आई। एक होर विश्वास नूं देखांगे, ए ओ औरत आ जिहदा विश्वास किड्डा जबरदस्त आ।
लोग चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन्होंने घर आवे तो फिर प्रार्थना करे। कोई चाहता तू सिर्फ बोल दे ते काम हो जाएगा, कोई कहता तू इत्थे हुंदा ते काम हो सकता सी, कोई कहना जे तू चाहे तो हो सकता है। एक औरत ऐसी है जिहड़ी इहदे सामने भी आ सकती क्योंकि बीमारी की हालत ऐसी है कि वह सामने भी आना चाहती नहीं, तो मन दे विच इक्को ही चीज ठाण के आई है कि बीमारी ने तो मैनू परेशान लिखिया। उन्हें वेदा के हथों डॉक्टरां ते हकीमां दे हथों बहुत ज्यादा दुख पाया सी, ते अपनी जीवन की सारी कमाई अपनी जिंदगी का सब कुछ वो उन्होंने मगर लग के लुटा बैठी सी, ते फिर उन्हें प्रभु को आउण दा मौका मिलिया। अज भी लुटे हुए आउंदे आ प्रभु दे कोल, चंगा भला तो आने के लिए तैयार। जे तुसी किसे कहो ना हाँ जी यीशु मसीह को आया बरकत मिल जाऊगी, वह कहूगा मैं तो पहले 10 फैक्ट्रिया का मालिक हाँ, मैनू कि बरकत चाहिए है। हाँ जी मैं कनेडा गया तो पुछता सगा, मैं क्या मसीह हो दसो तुसी बड़ा रौला पाते हो, यीशु मसीह बड़ा अमीर कर दिता, यीशु मसीह बड़िया आशीषा तो बरकत दिता। मैं क्या भी इतने किन्ने बंदे है जेडे रियल स्टेट का काम करते थोड़े, जिन्होंने पूरे के पूरे नगर वसा दते है, उन्हें जो एक बंदा दसो जो मसीही है। कोई सिख है, कोई हिंदू आ, कोई मुसलमान है, कोई यहूदी है। मैं कहूं एक लियाओ, मैनू पता सी एक हैगा है, सिर्फ एको ही है, पर उन्होंने वह भी नहीं पता। तो मैं कहा तुसी केड़ियां बरकतां दीयां गल्लां करते हो, तुहाडे आले दुआले तो कोई भी मसीही है नहीं जिहड़ा अमीर होवे, बाकी सारे अमीर ही है। तो तुसी उन्हां कोल जाके कहो भी आ जाओ यीशु मसीह अमीर बनाउण आया, तुहानूं बन्न के घर बिठा लेना उन्हें। कहिंदा चंगे भले नूं नहीं बल्कि बीमार नूं डॉक्टर दी लोड़ हुंदी है। हालेलुया, किहनूं लोड़ हुंदी भला? चंगे भले नूं नहीं बीमार नूं डॉक्टर दी लोड़ हुंदी है। सारे कहिंदा धर्मी नूं मेरी कोई खास लोड़ नहीं बल्कि गुनाहगार नूं मेरी लोड़ है, तो मैं आए इस करके हाँ कि गुनहगार तौबा करे तो उन्हें जिंदगी मिले तो बहुत आयत दी मिले। हालेलुया, तो ये औरत इनू सिर्फ इहदा इक्को ही इन्हें मन दे विच ठान लिया कि अगर किते मैनू मौका मिल जावे इहदे लागे जाण दा, मैं फ्रंट ते तो नहीं जा सकती क्योंकि जानी जाने मैनू देख के किते कुछ कह ना दे, इस करके गई भी पिछले पासों दी। किधरों दी जी बोलो सारे किधरों दी? गई भी यीशु मसीह दे पिछों दी। ते ईमान की भला, मैं सिर्फ एदा पल्ला भी जे छू लिया ना बोलो की करे भला, जे मैं एदा पल्ला भी छू लिया ते मैं चंगी हो जाना। हालेलुया, इनू कहिंदे चट्टान वर्गा विश्वास। किदां दा जी? इत्थे ते अगले कहिंदे पास्टर जे सिर ते हाथ ना रखिया ते कल बननी, जे पास्टर घर ना आया कहिंदे चरण पा लो, भी साडे चरण भी तो उदां दे ही आ, साडे चरणां च कहिड़ी कोई वड्डी खूबी है जी जिहड़े पा दईए असीं? कहणगे जी चरण पा जाओ। की कहिंदे जी? साडे चरण पाउण दे नाल कुछ नहीं होणा, मसीह यीशु दे ईमान रखण दे नाल सब कुछ। हालेलुया, साडे चरण तुहाडे वर्गे ही है, तुहाडे चरणां दे विच ते साडे चरणां दे विच कोई फर्क नहीं है, बल्कि तुहाडे चरण मुबारक है साडे लई। वचन दे अनुसार की है भला? तुहाडे चरण मुबारक है साडे लई, क्योंकि यीशु मसीह ने चेलियां को चरण धोए नहीं बल्कि उन्होंने चरण धोते सी। हालेलुया, इस मनुख की कीमत समझो, इहदी वैल्यू नूं समझो। ये जिहड़ा बेविश्वासी विच जिउंदा ना, इहदी परमेश्वर की नज़र दे विच किड्डी इज्जत है, परमेश्वर दी इहदे वास्ते किड्डी योजना है। इस गल नूं समझो कि कायनात का मालक
ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਧੋਣੇ ਪੈਣੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਲਾ ਹੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੀਸਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭੀੜ ਨੇ ਵੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਨੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਠਾਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਪਰ ਆਵਾਂਗਾ ਸੁਜਾਤਾ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ। ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸੂਰਾਂ ਨਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਪਾ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ, ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਲੈ ਦਈਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਿਰਬਲ ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭਲਾ ਸਜਾਖਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਇਹ ਮੰਗਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਠੂਠਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਠੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਟੋਰਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਸਜਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਜਾਖਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚੋਲੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੁਲਾਣੇ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੂੰ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸਜਾਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿੱਡੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਮਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨੇ ਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ, ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਡੌਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਠੂਠਾ ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਤਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਬੋਲੋ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਹਿਲਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਆ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਮੱਤੀ ਦੇ ਉਸ 7 ਅਧਿਆਇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੰਗੋ ਤੋ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਢੂੰਡੋ ਤੋ ਖਟਖਟਾਓ ਤੋ ਤੁਹਾਰੇ ਲਈ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੋੜ ਛੱਡੀਆਂ ਹੀ ਖਟਕਾ ਖਟਕਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ।
असी कुंडा तोड़ दिता पर खुलिया खुलिया नहीं। काश किते असी इस मंगते वांगू विश्वास दे विच पूर्ण हो गए, अति पवित्र विश्वास लैके अगर एक बारी उहदे कोल आ जांदे ते काम हो जाना सी, पर असी ओदा आए नहीं। सानू सिखाया ही गया मंगो तो असी मंग के पुत्र दी थां दे उत्ते फिर दोबारा मंगदे ही हो गए। सानू दस्या किसी ने नहीं भी मंगना की आ, ओ अपने मंगण वालियां नू पवित्र आत्मा दिंदा है। हालेलुया। ते जेदे कोल पवित्र आत्मा आ गया समझ लो ओदे कोल परमेश्वर आ गया, ते जेदे कोल परमेश्वर आ ओ फिर मंगे ते फिर ओदे तो तरस योग कोई हो सकदा? ओदे तो तुहानू आके बाइडन कवे आके भी अज तो तुसी मेरी औलाद हो, हां जी, ते तुसी ओदे लई सौण दा बिस्तरा बिछाओ, सिरे उठे डैनी टेबल ते उन्हें बिठाओ ते उन्हें को ग्रीन कार्ड दे दे दे। बोलो, अगला तुहाडे घर आ गया की बन के भला? वो कहना तुसी मेरी औलाद ते मैं तुहाडा पिता, ते असी को की मंगने? बोलो सारे की मंगते? असी कहने ग्रीन कार्ड दे दे दे। वो कहूगा कमलिया मैं तेरे नाल आ, ते तू की मंगने है? आहा काम है साडा पवित्र आत्मा दे वसीले परमेश्वर साडे अंदर, अही सैकल मंगने। इस करके कहिंदा तुसी मंगदे हो बद नीति दे नाल मंगदे हो, इसलिए तुहानू दिता जांदा नहीं, तुहानू पता ही नहीं मंगना की है। कहिंदा मेथों मंग ते मंगी राजे दे पुत्रां वांगू कोमा तेरी मिरास कर देंगे। हालेलुया। कोमा तेरी मिरास कर देंगा, ते फिर कीतियां कि नहीं? झूठते नहीं? कोई है दुनिया दी ऐसा कोना जिथे उहदे पुत्र नूं जान देना होण? कोमा तेरी मिरास कर देंगा। ते ए मंगता हुण मंगता बन के नहीं गया, बल्कि अत पवित्र विश्वास दे नाल यस मसीह दे कोल जान दी इहने ठाण ले। बड़ा रुकावटां बड़ियां रोकां, बड़े लोगों ने कहा नहीं जान देना तेन, पर इन्हें किसी की परवाह की नहीं। आखिर पहुंच गया यसु मसीह दे कोल। यसु मसीह कहिंदा की चाहना जो तेरे लिए कीता जावे? कहिंदा मैं चाहना मैं सुजाखा हो जावा। की चाहना जी? बोल सारे मैं चाहना मैं। एक गल सिर्फ आ अखां दे खुलन दी नहीं सी उन्हें कीती, अज जोर जड़े चलाउंदे फिरदे ने चंगाई सभावां, इन्हां ने इस गल नूं सिर्फ इत्थों तक ही रखना। इत्थे गल इहदी नहीं कि भी आ अखां खोल दे मैं चाहुंदा मैं की होवां भला सजाखा हो जावां। इत्थे सिर्फ गल इह नहीं, कहिंदा तुसीं अखां हुंदिआं होइआं भी अन्ने हो ते कन्न हुंदे सुंदे भी तुसीं बोले हो, इसलिए इहदा मकसद सिर्फ आ अखां दा खुलना नहीं, बल्कि इहदा मकसद है अंदर दियां अखां खुल जाण। हालेलुया। ते जिहदियां अंदर दियां खुल गईआं बाहर खुलण नूं टाइम लगना, असीं बाहर दियां खलाउण दे चक्कर च पए रहिंदे सारी जिंदगी, अंदर दियां अन्नियां हुंदियां। इस करके सजाके हो के भी सानूं दिसदा, ते जे अंदर दियां खुल जाण ते फिर बाहर दियां भावें बंद भी रहन तां भी इहनूं उहदे राज दा अधिकारी होण तों रोक सकदियां। हालेलुया। किन्नियां उदाहरणां आ बाइबल दे मन्नण वालियां दियां, अन्ने सी अखां नहीं मंगियां
प्रभु यस्सू मसीह मंगया तो तुसी सजाखे हो तानू पूछ रही है ना बाइबल दी सब तो फेमस वर्स केड़ी है चलो दसो परमेश्वर ने जगत नाल ऐसे मुहब्बत की थी उन्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिता किन्नी आयत है केड़े चैप्टर दी है बोलो हां जी आ देख लो आ हाल है तुहाडा सजाख्या का की है भला सजाख्या का आ हाल आ किन्ने अन्या दी तुहानू उदाहरण दईए जिन्हां मोह जबानी आ बाइबल आउंदी है अज भी जींदे आ धरती दे उत्ते किन्ने अन्ने और उन्हां अन्या दे लई खुदा ने एक बंदे दे मन दे विच पाया उन्हें एक ऐसा एडे एक सैज का जिदा रेडियो ही नहीं होंदे पुराने उन्हें एदा का एक यंत्र तैयार किया जिहदे च दुनिया दी सारियां भाषावां दी एक उन्हें सॉफ्टवेयर बना के उहदे विच पाया वो बिजली दे नाल चार्ज भी हुंदा है और उन्हें पहला तो सब कुछ ध्यान च रख के कल नूं किते बैन लग जावे ते कोई किदां फिर वचन नूं लऊगा उन्हें फिर इहदे सैड दे एक हैंडल लाया घुमाउण वाला वह घुमाओगे तो चार्ज हो जाओ फिर उन्हें सूरज दीयां किरणां दे नाल भी चार्ज किया जा सकता अरबा रुपये ला के उस बंदे ने किन्ने बोलो साढ़े किन्ने जी ताड़े को तो सौ नहीं लगता उन्हें किन्ने लाए शौक कोई नहीं सी सिर्फ जनून सी शदाईपन सी अपना सब कुछ उन्हें उस काम के उत्ते ला हाले लुई उन्हें ऐसा यंत्र तैयार किया जिहड़ा बिजली दे नाल चार्ज होवे बिजली ना होवे ते फिर उन्हूं घुमाओ उन्हूं गेड़े दिओ उहदे नाल चार्ज होवे जे उन्हूं भी कोई प्रॉब्लम आ जावे सूरज दीआं किरणां दे नाल तैयार होवे ते उह चार्ज हो जावे उस बंदे ने उन्हां तों सुण सुण के बाइबल दीआं आयतां नूं याद कीता बाइबल दीआं किताबां नूं याद कीता उह लोक जिहड़े अन्ने सीगे उन्होंने वचन नूं अपने अंदर संभालिया सजाख्या नूं पुछिए हां जी कढो जी मत्ती दी अंजील 15 दे लभदिआं लभदिआं मैनूं 15 मिंट लग जांदे ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਜਾਖਾ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਨੇਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਦ ਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸੁਜਾਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਜਾਖੀਆਂ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਬਾਅਦ ਚ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ अन्ना सजाखा हो के भी अन्ना हो सकता है पर जिहदियां अंदर दियां खुल गईयां वह दोबारा कदे अन्ना हो सकता ते गल अंदर दी है ये सारा न्यू टैस्टमेंट का जिहड़ा कलाम है ना यह सारा अंदर का कलाम है जिहड़ा ओल्ड टैस्टमेंट है वह सारा बाहर का कलाम है उहदे विच खुदा करके दिखाउंदा है साढ़े अगे रखिया वाह देखो मैं कीता ते हुण जिहड़ा आ इह अंदर दा आ जिदा मैं बाहर किया ना सारा काम उदा हुण मैं तुहाडे अंदर करदा है हाले लोई है इसलिए कहिंदा तुहाडे मन दीआं अखां ज्योतिमय होण कहिड़ियां अखां जी ये बाहर दीआं भुल जाओ ये बाहर दीआं चिंता जिन्हें बनाईआं ना वह करे पास्टर मनीर साहब दीआं अखां बड़ियां धुंधलियां हो गईआं सी बहुत ज्यादा पर उन्होंने ठाणिया होया सी भी मैं ऐनक लाउणी नहीं तो प्रभु ने अखा पता उन्हें कि सही कीतियां एक बारी हार्ट अटैक लिया तीन बारी पैरालाइज फिर वो चारे चीजा तो चंगिया करके चौथे अटैक दे विच जदों सूरत विच आए तो अखा एक 18 साल के नौजवान वर्गियां हो गई अस्सी साल का बंदा अखां किदां दीआं भला ते कई उदो दोष लाउंदे कहिंदे पापी बंदा तां करके इन्नी वारी अटैक ते अटैक होण डए आ जरूर इहदे च कोई गड़बड़ आ परमेश्वर हत्थ धो के पैर धो के भी कहिंदे पेच पै गया
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋਊਗਾ ਪੁੱਠਾ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਧਰੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਜਾਕਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸਜਾਕਾ ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਕੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਇੰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੰਨੇਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਲਾ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਣਾ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਾਣਾਪਨ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਵੇਂ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਾ ਕੇ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਵੇਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਭਲਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੂਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਢ ਦੇ ਕੰਡਾ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਜ਼ਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਫਜ਼ਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਲਚਾਰੀ ਇਹ ਕੰਡਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਹੋਵੋ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਲਾ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਇਹ ਲੋਟਾ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਆ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਜਾਕਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਔਰਤ ਵੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਛੂਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਉਹ ਪੱਲਾ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਉਹ 13 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਯੁੱਗੋ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਯੁੱਗੋ ਯੁੱਗ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਬਲਕੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਨਾ ਕਦੇ ਉਂਗਲਾਵੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਮੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੀ ਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਮੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ
कमी साढ़े वालों ही है, गड़बड़ की है भला साढ़े वालों ही है, तो इस गड़बड़ असी सुधार लीए तो चलन के लिए तैयार। हाले लो है, इसलिए औरत पिछों की आई तो इन्हें पला छुया, तो यसम सिंह ने शगिरदा पूछा कहिंदा भी मैनू किसी ने छुया। हाले लो कि आखदा प्रभु यसम सिंह मैनू किसी ने छुया, टाइम ज्यादा हो गया ना, औखे जो होंगे होने बस कर है ना। ये हजूरी च भजन का ना हिसाब ताब रख्या करो, मसा तो आते हो एतवार एक दिन तो हों और भी शुक्र करया करो रब ने तुम उस जगह से लिया के खड़ा किया जिथे अगर 10 घंटे भी एक गल के उत्ते गल शुरू हो खत्म होंगी, नहीं तो बाकी थावां ते 1/2 घंटे बाद पादरी नूं भुल जांदा मैं प्रचार करदा की पिया सी। तुसीं हुण मैनूं दसो कि यसम सिंह कहिंदा वी मैनूं किसे ने छुया, सवाल ते पता ते नहीं सी ना वी किहने छुया। बोलो जी, आदम लुकिया पिया कहिंदा हे आदम तू किथे आ, परमेश्वर ने दिसया तो नहीं। हाँ जी, जकी लुक के बैठा दरखत संघने के मैनू यसम सिंह देख ना लवे, मैं देख लवा तो वह थले जाके कहिंदा उतरा इत्थे लुक के नहीं मेरा दीदार होना, मैं तेरे घर बहना तेरे सामने जाके। हाले लोई असी थोड़ा थोड़ा मंगते हो, कहिंदा मैं आने तैयार हाँ, मैं खड़कौना तेनू खड़कौन की लोड़। हुण दो चीजां तुहाडे सामने आ, एक ओ सेवक तुहानू दसदे आ परमेश्वर तुहाडा द्वार खड़कड़ा रहा, तुसी बंद कीता, ते दूजे पासे ओ जिहड़े कहिंदे खड़काओ ते तुहाडे लई खोलिया। ये पता नहीं हुण किहड़ा इहनां ने खड़काउणा जिहड़ा इहनां लई बंद पिया, जिहड़ा खुल्लिया नहीं अजे तक, क्योंकि दरवाजा तो इक्को ही आ। वह जिदन तौबा कीती प्रभु यसम सिंह नूं समझ लिया उदन साडे लई खुल गया, हुण कोई दरवाजा नहीं जिहनूं सानूं खड़काउण दी लोड़ आ। हुण ते जदों असीं बंद करदे आ ना उदों ओह खड़काउंदा ओए मेरे लई बंद कदे नहीं कीता। हाले लोई है, ते असीं जे बंद करके बैठे हाँ ते अज ओह कह रहा मैं बूहे ते खड़ा खड़काउणा आ, जे कोई मेरे लई खोलेगा मैं उहदे कोल अंदर। जकी नूं कहिंदा आ जा अज मैनूं तेरे घर रहना जरूरी आ, कि भला तेरे घर रहना मैनूं। वो कहिंदा हुण कमाल दी गल, मैं ते इहनूं देखण दी तमन्ना, कहिंदा मैनूं तेरे घर रहना ही जरूरी आ। इत्थे कहिंदे नहीं जी लभो तुसीं ते तुहानूं मिलूगा, वो गुआचा होया कहिंदे ढूंढो तो जदों मंगिया ते मिल गया, फिर हुण ढूंढना की है जी। तो सानू सारी जिंदगी इसे चीज लाई रख दे, अगे सानू कलाम का पता लगता ही लगता ही नहीं। कहना मैनू कहने छुया, वो कहने हजारां बंदे तेरे उत्ते डिगण रहे हैं, एदा किवें पता लाया जावे भी तेनू कहने। कहिंदा डिगण वाले हजारा हो सकते हैं पर ईमान दे नाल छूण वाला कोई एक है। हालेलुया, अज उहदी हजूरी च आउण वाले सैकड़े हो सकते हैं पर उहदे उत्ते अति पवित्र विश्वास रख के कोई आया वो कोई एक अद्धा ही हुंदा है, सारे हुंदे ते काम उहदे जीवन ची होना है जिहड़ा अति पवित्र विश्वास लैके आया होवे, उहदी पवित्रताई दे पैमाने दा विश्वास, जिन्ना पाक साफ जिन्नी पाकीजगी उहदे विच आ उन्नी ही पवित्रताई उन्नी ही पाकीजगी तुहाडे ईमान दे विच होनी चाहीदी है। ते जदों उहदे पवित्रताई दे बराबर दा पवित्र ईमान होवेगा काम चुटकी दे नाल होवेगा, फिर देरी हुंदी देरी हुंदी नहीं। इन्ने छुया ही पल्ला लिखिया, जिवें पल्ला छुया उहनूं अंदरों उसे टाइम पता लग गया
मैं अपनी मानदगी तो चंकी, मैं एक खुदा के बंदे की गवाही सुनता सी, साडा रिश्तेदार ही है। कई बार असं दसी दा नहीं नाम, क्योंकि कई गल्लां ओले रखनिया पैंदियां। उन्हां दा बेटा नहीं सी चलदा मसीह दे विच, ते काफी पुठे सिद्धे कम्मां दे विच भी पै गया सी। आप खुद सेवक आ। एक दिन कोई सेवक प्रचार कर रहा सी कि बादशाह नबूकदनसर जिन्हें प्रौड किया ना महल दे उत्ते चढ़ के, भी आ सब कुछ मैं अपनी ताकत दे नाल बनाया, ते ए मेरी शक्ति दे नाल, मेरी अकल दे नाल, मेरी समझ दे नाल बनिया। ते आकाश तो एक आवाज आई, तू अपने मन च घमंड किया, हुण मैं तेरी ऐसी हालत करांगा, तू 7 साल एक जानवर की तरह जीवेगा, मैं तेरे अंदरों बंदे वाली बुद्ध कढ़ांगा, तेरे अंदर जानवर की अकल नू पावांगा, तू खेत दे विच किले दे नाल बनिया जावेगा, 7 साल तेरे उत्ते वर्खा पवेगी, तेरे उत्ते तेल पवेगी, तेरे उत्ते सर्दी गुजरेगी, तेरे उत्ते गर्मी गुजरेगी, 7 साल तेनू उत्थों कोई खोलूगा भी नहीं, फिर तेनू पता लगेगा सरदारी अगर कोई करदा ते परम पिता परमेश्वर करदा। हालेलुया। ते जिन्हू चाहुंदा आ फिर उन्हू दिंदा आ। ते उह कहिंदे मैं सोचिया भी हे परमेश्वर, जे तू बादशाह नबूकदनसर दी ए जानवर वाली जिहड़ी स्थिति कर सकदा इंसान तो, ते तू मेरे पुत्र दी जानवर वाली स्थिति नू परिवर्तित करके दोबारा इंसान वाली बनाउण दी भी कुदरत। हालेलुया। वचन नू सुनिया करो, सुन के अनसुना, सुन के अनसुना कदे नहीं करना, सुनना है। ते उन्हें सुनिया, ते उन्हें फिर प्रार्थना की थी, एहो ही प्रार्थना के प्रभु कलेम है ना, वचन दसदा तुसी कलेम करो, मैनू चक के देखो। इको है दुनिया की किताब जिहदे विच परमेश्वर चैलेंज करता, जे भरोसा नहीं ना तो मैनू चैक करके वे। हालेलुया। होर किते नहीं मिलनी, कहना चैक करके वेख, चक के वेख। तो उन्हें फिर चक के वेख्या, उन्हें यही प्रार्थना की थी, प्रभु जे तू चंगे भले बादशाह की चंगी भली बुद्ध नू बदल के ते जानवर वाली बुद्ध बना सकता है, तो फिर तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुंदिया होया किसी बंदे का अगर जानवर वर्गा जीवन हो गया है, तो तू उन्हू जानवर के जीवन तो बदल के तू उन्हू इंसान के जीवन के लिया सकता है। कहते मैं प्रार्थना की, अगले ही दिन मेरे पुत्र ने तौबा कर। हालेलुया। अपने अखन बंद करेंगे, सिर झुकाम गए, आप अपनी जगह से खड़े होंगे। हालेलुया। अज के सुने हुए इस वचन को अपने मन के बिठावांगे। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उहदे लई कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। कमी अगर है तो साडे वालों का, असीं अपनी कमी नूं दूर करांगे। हालेलुया। भाई राज जी अगे आ जाणा, असीं मिल के सब लोग एक भजन गावांगे। और याद रख्या करो, ये भजन असीं इसलिए नहीं गाउंदे हुंदे वी तुसीं इहदे दौरान चंदा पाउणा है, क्योंकि इत्थे कोई मंगदिआं वाला काम नहीं है। ये वैसे अंत दे विच जिदा कहिंदे हुंदे ना वी खाणा खाधा ते हुण कोई नाल कोई खीर खूर हो जावे ते उह तुहानूं दित्ता जांदा हुंदा आ। ਇਹ ਉਹ ਚਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਪੱਲਾ ਛੂਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਮੰਗਤੇ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨਦਗੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗਾਨ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ,
तो फिर अज भी काम करेगा हाले उहदे वल्लों कोई कमी नहीं वायदे के मुताबिक अज साडे विच है उहदी हजूरी इस जगह दे उत्ते है और जिथे उहदी हजूरी हुंदी है उत्थे मौजजे हुंदे है हाले लई जिथे उहदी हजूरी हुंदी उत्थे वड्डे वड्डे काम हुंदे है अज भी असीं उहदे कम्मां नूं वेख सकदे हां हाले बस शर्त इक्को ही है अति पवित्र विश्वास लैके असी अज खड़े होवांगे और इस मंगते वांगू ठान लवांगे अज प्रभु तेनू इदां जान देना नहीं अज तेनू मेरे उत्ते रहम करना पवेगा हाले और रहम दिल है रहम करेगा हाले दुखो बीमारी यसु दूर करे दुखो बीमारी यसु दूर करे पापा नू माफ करके रू नाल परे पापा नू माफ करके ओ दुख बीमारी यसु दूर करे दुख बीमारी यसु दूर करे पापा नू माफ करके रू नाल परे पापा नू माफ करके रू नाल परे हालेलुया 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 थके ते गम दे मारे पारा नल लते सारे थके ते गम दे मारे पारा नल लते सारे आओ यसु दे दवारे कृपा करे आओ यसु दे दवारे कृपा करे दुख बीमारी यसु दूर करे दुख बीमारी यसु दूर करे पापा नू माफ करके रू नाल परे पापा नू माफ करके रू नाल परे हालेलुया 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 वैरी शैतान सतावे पारे ने जुल्म कमावे वैरी शैतान सतावे पैरे ने जुल्म कमावे उस तो यसु छुड़ावे कृपा करे उस तो यसु छुड़ावे कृपा करे दुख बीमारी यसु दूर करे दुख बीमारी यसु दूर करे पापा नू माफ करके रू नाल परे 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 हालेलुया 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 दुख बीमारी यसु दूर करे दुख बीमारी यसु दूर करे पापा नू माफ करके रू नाल परे पापा नू माफ करके रू नाल परे हालेलुया 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 दुख और बीमारी उसके सामने कुछ नहीं है क्योंकि उन्हें वायदा किया अपनी सारी चिंता उसके छोड़ दे क्योंकि उन्हें तुहाडी फिक्र है जो ते भरोसा रख के भी जे अति पवित्र विश्वास के होंदे हुए भी साढ़े अंदर अजे भी कोई ऐसा भरम है तो फिर असं उसकी कुदरत नूं नहीं वेख सकते ते जे असीं उहदी कुदरत नूं वेखणा है फिर सानूं इक्को गल हमेशा कहण दी लोड़ है दुख जदों भी सतावे यसु नासरी बचावे
ओते सारियां जरूरतां नूं जानदा ए हर वेले यसू मेरे नाल नाल रहिंदा मेरे दिल दा हाल पछाणदा ए हर वेले यसू मेरे नाल नाल रहिंदा मेरे दिल दा हाल पछाणदा ए दुख जदों भी सतावे यसू नासरी बचावे दुख जदों भी सतावे यसू नासरी बचावे ओते सारियां जरूरतां नूं जानदा ए हर वेले यसू मेरे नाल नाल रहिंदा मेरे दिल दा हाल पछाणदा ए हर वेले यसू मेरे नाल नाल रहिंदा मेरे दिल दा हाल पछाणदा ए दिग पम जदों बाहों फड़ के उठाउंदा ए खाक विचों चुक पत वंता च बिठाउंदा ए दिग पम जदों बाहों फड़ के उठाउंदा ए खाक विचों चुक पत वंता च बिठाउंदा ए मेरे चार चुपेरे करदा दूर हनेरे मेरे चार चुपेरे करदा दूर हनेरे तम्मू आन के ओ खुशियां दा तानदा ए हर वेले यसू मेरे नाल नाल रहिंदा मेरे दिल दा हाल पछाणदा ए हर वेले यसू मेरे नाल नाल रहिंदा मेरे दिल दा हाल पछाणदा ए हर वेले यसू मेरे नाल नाल रहिंदा मेरे दिल दा हाल पछाणदा ए 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 मेरे दिल दा हाल पछाणदा ओ सचमुच तुहाडे दिल दे हाल नूं पछाणदा है और ध्यान रखो तुसी ओहदे अगे कैसा दिल लैके खड़े हो क्योंकि वह दिल दे हाल नूं पछाणदा है अज दिल दी हालत दे मुताबिक ही वह तुहाडे उत्ते कृपा करेगा हाल कैसा दिल और उस दिल दे विच कैसा ईमान लैके खड़े हो तुहाडा ईमान ही तुहाडे उत्ते फजल करेगा हाल और तुसी ईमान दे नाल ही उहदी कुदरत नूं वेखो धन्यवाद धन्यवाद तेरा शुक्र जिने जाग जाग कर देने दुआ जिने जाग जाग कर देने दुआ कदे ना दुखी होणगे जिने जाग जाग कदे ना दुखी होणगे नेड़े रहिंदा ए उहनां दे खुदा ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਜਾਗੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਸਾਰੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਜਾਗੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਸਾਰੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਕੰਨ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਕੰਨ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਜੋ ਹੰਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਰੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ
ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੋਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪਾਣਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੋਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪਾਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਲੇ ਵੱਡਣਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਲੇ ਵੱਡਣਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਦੁਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚ ਫੁੱਲੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚ ਫੁੱਲੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਬਨੇ ਖੁਦਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਬਨੇ ਖੁਦਾ ਉਹ ਯੱਸੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗਲਾ ਫਾੜ ਕੇ ਚਿਲਾ ਸਰਫਾਨਾ ਕਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਲਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਖੁਦਾ ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ ਹਰੇਕ ਤਕਲੀਫ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਸੀਹ ਯੱਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ
तेरे बच्चों नू तेरे बेटी बेटियां नू ऐ खुदावंद खुदा तेरे मुबारक हथाच दिने तेरी दया नू मंग लैने साडी प्रार्थना सुनो कबूल करो मसीह यस्सु दे नाम दे विच आमीन। हुण साडे खुदावंद यस्सु मसीह दा भजन खुदा बाप दी मुहब्बत पाक रूह दी संगत होण तों लैके हमेशा तक और तमाम लोगों के नाल बनी रहे। हालेलुया खुदा तुम सारे बड़ी आशीष देवे सारे जन।